आप भी जब आओगे ना केदारनाथ ट्रैक करोगे तो भाई आपको पता चलेगा मतलब क्या है ये केदार नगरी। मतलब आप मान के चलो 20-20 फीट तक यहाँ पर स्नो आ चुकी है, ये पूरे टेंट खत्म हो चुके हैं। दोस्तों इस साल पहली बार बाबा केदार को हम छू रहे हैं। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब? जय श्री केदार, मैं हूं सचिन और स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल उत्तराखंड ब्यूटी में। सो दोस्तों आज 24 अप्रैल है और आज बाबा केदार की डोली गौरीकुंड से जाने वाली है केदारनाथ धाम और वहां पर फिर नाच गाने होंगे, बाबा की डोली का स्वागत होगा और फिर कल 25 अप्रैल को सुबह 6:20 पर बाबा के धाम के कपाट खोल दिए जाएंगे। आप सभी भक्त दर्शन कर पाएंगे 12वें ज्योतिर्लिंग केदारनाथ धाम के। तो दिखाने वाले हैं आज हम आपको गौरीकुंड टू केदारनाथ धाम, थोड़ा बहुत डोली के सीन भी हम आपको दिखाने वाले हैं जितना कवर हो पाएगा, बिकॉज डोली के साथ चलना थोड़ा सा पॉसिबल नहीं हो पाता, बट ट्राई करेंगे जितना हो सके आपको अच्छे से अच्छे व्यू दिखाएं। तो चलते हैं पहले गौरी माता के मंदिर। तो जस्ट अभी हम पहुंचे हैं गौरी माता के टेंपल पर जहां से बाबा केदार की डोली निकलेगी। आप देख सकते हो मेरे पीछे ये है गौरी माता का टेंपल और आप देख सकते हो सभी भक्तगण यहां पर आए हुए हैं। यहाँ आप देख सकते हो जितने भी श्रद्धालु हैं, भक्तगण हैं, वो बाबा केदार की डोली के साथ चल रहे हैं और काफी ज्यादा क्राउड है, सच बता रहा हूँ मैं। सो दोस्तों यात्रा जो है स्टार्ट हो चुकी है और अभी गौरीकुंड से स्टार्टिंग में किसी ने भी रजिस्ट्रेशन चेक नहीं किया। आज देखते हैं आगे की यात्रा में क्या रजिस्ट्रेशन की चेकिंग होती है या फिर नहीं। ये देखिए अपने फैमिली से जुड़े हुए कुछ भाई लोग मिले हैं। भाई का ब्लॉग मैंने कल ही देखा, बहुत अच्छा लगा और भाई से डेडिकेशन मिली कि यात्रा कैसे टोली के हाथ करी जा सकती है। इसीलिए कर सकते हो, धीरे धीरे ट्रैक करो, आराम से बाबा के द्वारा पहुंच जाओगे। तो आपने भैया को पहचान लिया होगा, मुकेश है। जय श्री केदारनाथ जी की जय हो। और भैया का फर्स्ट टाइम ट्रैक है ये केदारनाथ ट्रैक, बट काफी मजा आ रहा है सबके साथ। जब क्रिएटर्स मिलते हैं तो उनके साथ ट्रैक करने का कुछ अलग ही मजा होता है। बाकी टेम्पल बहुत जल्द मंदिर तक पहुंचेंगे, आप सभी को दर्शन कराएंगे। उत्तराखंड ब्यूटी के साथ हैं, वीडियो हमने भी इनकी देखी है, बहुत अच्छी इंफॉर्मेटिव जो वीडियो होती है वो बनाते हैं और देखते हैं कितना समय लगता है मंदिर तक पहुंचने में। हाँ ये मान के चलिए 6 घंटे के आसपास, 5-6 घंटे तो लगेंगे। हाँ इतने या फिर इससे थोड़े बहुत ज्यादा लग सकते हैं, बट हाँ कुछ भी है हमें बाबा के द्वार पहुंचना है। हमारे सिर्फ एक ही टारगेट है, बाबा के द्वार पहुंचना है। चलो चलते हैं बाबा जी का जयकारा लगा के। हर हर महादेव, जय श्री केदार, श्री केदारनाथ जी की जय हो, जय हो, जय हो। यही आपको सजेस्ट करूंगा कि कम से कम वेट लाएं, बिकॉज वेट कैरी करके ट्रैक करना इतना इजी नहीं होता, बहुत डिफ़िकल्टी आपको फेस करनी पड़ेगी। और दोस्तों एक बात मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप में से जो भी लोग उत्तराखंड आ रहे हैं या फिर चार धाम में आ रहे हैं, केदारनाथ ट्रैक कर रहे हैं, तो जो भी आप अपने साथ खाने पीने के आइटम लाते हैं उनके रैपर्स होते हैं वो ट्रैक में बिल्कुल ना डालें यार, बहुत गंदा लगता है। और सफाई तो चल रही है तो आप गंदा ना करें, वैसे आपको ट्रैक में
कुछ कुछ डिस्टेंस पर ही डस्टबिन्स मिल जाएंगे, तो वहाँ पर ही आप उनको डालें। ऐसे ही इधर उधर खाया पिया और फेंक दिया, ऐसे ना करें। नेचर को हार्म बिल्कुल ना करें, नेचर को कुछ दे नहीं सकते, वहाँ पे गंदा भी ना करें आप। दोस्तों जब आप केदारनाथ ट्रैक करोगे तो आपको आगे आके दो रास्ते यहाँ पर डिवाइड हो जाते हैं। तो दोस्तों ये वाला जो आप ट्रैक देख रहे हो, एक ये ट्रैक है और एक ये जो आप देख रहे हो, ये देखिए ये जो जा रहा है, ये वाला इजी ट्रैक है। मैं आपको बता रहा हूँ, वो यहाँ से तो आपको सीधा सीधा लगता है, बट आगे जाके वो बहुत ज़्यादा ज़िगज़ैग हो जाता है, काफ़ी हाइट पर पहुँच जाता है। तो इस वाले ट्रैक से मैं प्रीवियस ईयर जा चुका हूँ, इस बार इस वाले ट्रैक से भी मैं आपको यात्रा करके दिखाने वाला हूँ। वेल दोस्तों वीडियो में मैं ज़्यादा बात नहीं कर रहा हूँ, बिकॉज जल्द से जल्द ट्रैक कंप्लीट हो जाए तो आपको टेंपल के दर्शन कराएंगे, तो इसलिए बातचीत थोड़ा कम चल रही है, अभी ट्रैकिंग ज़्यादा चल रही है। आज केदारनाथ ट्रैक का सभी भक्तों के साथ पहला दिन है जब ट्रैक स्टार्ट किया गया है। आप मेरे पीछे देख सकते हो, जब हमने ट्रैकिंग स्टार्ट की थी तो मौसम खुला था, धूप निकली हुई थी, लेकिन अभी जो मौसम है वो बदल चुका है और यही केदार नगरी केदार घाटी की एक खूबी है। यहाँ पर कब मौसम बदल जाए किसी को नहीं पता, यही है बाबा केदार की नगरी केदार घाटी केदारनाथ टेंपल। तो दोस्तों देख सकते हो आप, मतलब अभी हम केदारनाथ धाम की तरफ जा रहे हैं और ये ट्रैक में 30 फीट तक यहाँ पर स्नो जम चुकी है और इस ट्रैक में से इसको काट के स्नो को तब ये ट्रैक बनाया गया है। और ये बहुत डेंजर जोन है, बिकॉज यहाँ पर कभी भी स्नो नीचे गिर सकता है। बाबा के धाम पर यहाँ का फील बहुत अलग आ रहा है। अगर आप आने की प्लानिंग कर रहे हो इन फ्यूचर मे मंथ में, तो ज़रूर आप अपने साथ विंटर के क्लोथ ज़रूर कैरी करें, रेनकोट कैरी करें, और बहुत अच्छा लग रहा है। यही कहूँगा आपसे, जय श्री केदार, हर हर महादेव। बाबा की नगरी बहुत ही सुहानी है, बहुत ब्यूटीफुल है। हर हर महादेव, हर हर महादेव। सभी भक्तगण हमारे साथ जुड़ रहे हैं, बीच में जो हमारी YouTube फैमिली से हैं वो सब मिल रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। बस ऐसे ही प्यार बनाए रखें। तो चलते हैं आगे, और भी बहुत सारे व्यूज़ आपको दिखाने हैं। आप भी जब आओगे ना केदारनाथ ट्रैक करोगे तो भाई आपको पता चलेगा मतलब क्या है ये केदार नगरी। सच में मतलब वर्ड्स नहीं है, मैं सच बता रहा हूँ, बहुत ब्यूटीफुल है। ये 20 से 22 किलोमीटर्स का ट्रैक कब कंप्लीट हो जाएगा ना मतलब पता नहीं चलेगा, बिकॉज नज़ारे बहुत सुंदर है। तो दोस्तों अब हम पहुँच चुके हैं केदारनाथ बेस कैंप पर, जहाँ पर GMN के कैंप्स मिल जाएंगे, प्राइवेट कैंप्स मिल जाएंगे, खाने पीने की दुकानें मिल जाएंगी, सब कुछ। और यहाँ से 1.5 किलोमीटर्स है केदारनाथ टेंपल। उस पल का मैं भी वेट कर रहा हूँ जब बाबा के धाम के दर्शन करूँगा, और आप लोग भी कर रहे होंगे। बस थोड़ा सा वेट और पहुँचने वाले हैं। यहाँ आप देख सकते हो ये पूरे टेंट ख़त्म हो चुके हैं। यहाँ ये टेंट है, ये पूरी GMN की कॉलोनी थी, और ये देखो मतलब बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है। यहाँ देखिए आप, इसीलिए बोला जा रहा था कि यात्रा 5th मई से स्टार्ट होगी, बिकॉज 5th मई तक सारी जो भी व्यवस्था है रहने की खाने की वो हो जाती, लेकिन अभी यात्रा स्टार्ट हो चुकी है और एक दो दिन में सभी व्यवस्था पूरी तरह से बना दी जाएगी आप सभी यात्रियों के लिए, तो आप आराम से स्टे कर पाओगे। यहाँ पर भी देखो कैंपिंग टेंट्स आपको मिल जाएंगे, जो 1000 रुपये पर पर्सन के अकॉर्डिंग आपको मिल जाते हैं। दोस्तों अगर आप मॉनसून में आते हो या फिर सितंबर अक्टूबर में आते हो, तो ये जो लेक है ना, आपको यहाँ पर पानी नज़र आ जाएगा, बट ये अभी जम चुका है, एज यू कैन सी। मतलब देखिए आप इसको फ्रोजन लेक कह सकते हो, जमा हुआ
झील या फिर कुछ भी कहें आप, ट्रैक के दोनों तरफ यहाँ पर स्नो ही स्नो है। और बाबा केदार के दर्शन करना चाहते हो तो लो अभी कराता हूँ, दूर से हो रहे हैं आपको दर्शन, देखिए ये रहे। दोस्तों अगर आप बाय ट्रैक बाबा केदार के दर्शन करोगे ना, और फिर आपको वहाँ पर टेंपल जब देखने के लिए मिलेगा, जो आपको पहली झलक जो होगी बाबा की, मैं सच बता रहा हूँ, आप रो भी सकते हो, लिटरली बता रहा हूँ। अगर आप ट्रैक करके जाते हो तब, अगर आप घोड़े खच्चर से जा रहे हो, पालकी से जा रहे हो, हेलीकॉप्टर के थ्रू जा रहे हो, तब तो कुछ नहीं है। बट अगर हाँ ट्रैक करके जाते हो ना, तब आपको पता चलेगा। इतना लंबा ट्रैक करने के बाद ये जो दर्शन होते हैं ना भाई, जिन्होंने नहीं किया ना तो एक बार करके देखो, और जिन्होंने कर लिया तो उनको वो फीलिंग पता होगी। बट इस साल की जो फीलिंग है ना मेरी, ये बहुत नेक्स्ट लेवल है, बिकॉज बाबा केदार के दर्शन मैं पहली बार इतनी ज़्यादा स्नो में कर रहा हूँ। बहुत जय श्री केदार, हर हर महादेव। अब मैं बोले जा रहा हूँ, आपको तो मैंने दर्शन कराए नहीं, रुकिए आपको भी कराता हूँ। दोस्तों आप भी करिए दर्शन बाबा केदार के, इस साल के पहले दर्शन आप देख रहे हो सीधे उत्तराखंड ब्यूटी यूट्यूब चैनल से। वाओ, जय श्री केदार, हर हर महादेव। और कल के लिए पूरी तरह से सजा दिया गया है टेंपल को, जैसा आप देख सकते हो यहाँ पर कभी भी बर्फबारी हो सकती है, और आपको कहीं बहुत ही सुंदर है भाई, बहुत सुंदर लिटरली, मतलब कल सुबह दर्शन। और दोस्तों इस साल पहली बार बाबा केदार को हम छू रहे हैं, यहीं पर अंदर है 12वें ज्योतिर्लिंग बाबा केदारनाथ। और इस टेंपल को छूना भी अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, सच बता रहा हूँ, मतलब वाह भाई वाह। प्रभु सबको बुलाए अपने द्वार, सबको दर्शन दे। बहुत भक्त हैं जो नहीं आ पाते, आप उनको बुलावा नहीं देते, उनको भी अपने धाम बुलाए, उनको भी अपना दर्शन दे। ये अभी बैक साइड है केदारनाथ टेंपल की, जैसा आप देख रहे हो ये देखिए, और ये देखिए यही है वो शिला जिन्होंने बाबा केदार के टेंपल को बचाया था आपदा के समय में। और अगर आप देखेंगे तो ये शिला कितनी बड़ी है, एक डमरू के आकार में है। और सबसे बड़ी मेन बात अगर देखी जाए, मैं आपको दिखाता हूँ, ये जो शिला है भीम शिला, इसने मंदिर के बचाव में मंदिर को नहीं छुआ। आप देख सकते हो मतलब कितना ज़्यादा गैप है भीम शिला और बाबा केदार के टेंपल में, ये देखिए। आज तो सिर्फ हम आपको इतने ही दर्शन करा सकते हैं, और कल बाबा के कपाट खुलने वाले हैं 25 अप्रैल सुबह 6:20 पर, वो भी हम कराएंगे। अभी कपाट बंद है तो आप दर्शन कर सकते हो। तो दोस्तों आज के व्लॉग में इतना ही, कैसा लगा आपको व्लॉग हमको ज़रूर से आप कमेंट में बताएं, और शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि जो लोग दर्शन करने नहीं आ सकते, या फिर जिनको अभी व्यवस्था का नहीं पता, इन फ्यूचर आप प्लान बना रहे हो मई मंथ में, तो आपको सभी व्यवस्था का यहाँ पर पता चलने वाला है। और मैं आपके रिप्लाई नहीं कर पा रहा हूँ, उसके लिए दिल से सॉरी, अभी मैं फ्री होते ही कर दूँगा। और जो चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो, ऐसे ही इन फ्यूचर आप व्लॉग्स देखना चाहते हो और बाबा केदार के या फिर पूरे उत्तराखंड के, तो ज़रूर से चैनल को सब्सक्राइब कर लेना उत्तराखंड ब्यूटी को, और बेल आइकन को प्रेस कर लेना ऑल पर। सो बाबा के धाम से हम मिलते हैं आपको ऐसे ही किसी न्यू व्लॉग में, तब तक के लिए दोस्तों कीप सपोर्टिंग, कीप लविंग। जय श्री केदार, हर हर महादेव।